मसाला बनाने वाली देश की बड़ी कंपनी एवरेस्ट स्पाइसेस के दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे की खबरें आई हैं। जी हां, मनी कंट्रोल को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मुंबई इन्वेस्टिगेशन विंग ने एवरेस्ट स्पाइसेस के 40 ठिकानों पर छापेमारी की है। जी हां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फर्जी बिल से जुड़े मामलों की जांच कर रहा है। वहीं मनी कंट्रोल को कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला है। जी हां, एवरेस्ट मसाला भारत का सबसे अधिक बिकने वाला मसाला ब्रांड है, जो शुद्ध और मिश्रित दोनों के रूप में 45 से अधिक मसाला वेरिएंट पेश करता आया है। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 58 से अधिक देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका, यूएई, सिंगापुर में मसालों की सप्लाई करता है। एवरेस्ट मसाला पिछले 52 साल से भारत में मसालों का कारोबार कर रहा है। आपको बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर कलेक्शन में लगातार गिरावट आ रही है, इसीलिए सरकार टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। वहीं जीएसटी अधिकारी लगातार छापेमारी करके बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के मामलों का खुलासा भी कर रहे हैं। बीते साल गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर छापेमारी करके करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी के मामले उजागर किए गए थे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।